नमस्कार दोस्तों, न्यू जॉब अपडेट चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। अगर आप नए हो चैनल पर जरूर सब्सक्राइब करें। आज की वीडियो में बात करेंगे हम यूपीएस के बारे में, यानी यूनिफाइड पेंशन स्कीम्स के बारे में। तो की हाइलाइट्स पॉइंट इस वीडियो में आपसे डिस्कस करूँगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यूपीएस का लाभ किसे मिलेगा, क्या स्कीम है, पूरी डिटेल बताने की कोशिश करूँगा कम टाइम में। यहाँ पे देखिएगा, केंद्रीय सरकारी कर्मचारी के लिए ये है। यूपीएस मुख्य रूप से केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों के लिए बनाई गई है। इसमें वर्तमान कर्मचारी और नए नियुक्त कर्मचारी दोनों शामिल हैं। तो दूसरा मेन पॉइंट ये बनता है, पहला पॉइंट आपको क्लियर हो गया। दूसरा मेन पॉइंट क्या बनता है, एनपीएस धारकों के लिए विकल्प। जो केंद्रीय सरकारी कर्मचारी वर्तमान में राष्ट्रीय पेंशन योजना यानी एनपीएस के ग्राहक हैं, उन्हें यूपीएस में स्विच करने का विकल्प दिया गया है। इससे उन कर्मचारियों को सुविधा मिलती है जो योगदान आधारित पेंशन प्रणाली से परिभाषित लाभ पेंशन प्रणाली में स्थानांतरित होना चाहते हैं, यानी जो एनपीएस में हैं वो यूपीएस में स्विच करने का उनको विकल्प दिया गया है। यहाँ पे इसमें क्या है, थर्ड पॉइंट क्या है, यहाँ पे न्यूनतम सेवा आवश्यकता, यानी कि इसमें कम से कम यूपीएस के तहत पेंशन के लिए पात्र होने के लिए, पेंशन के लिए योग्य होने के लिए कर्मचारी को कम से कम 10 वर्षों की सेवा पूरी करनी होगी, यानी कम से कम 10 वर्षों की सेवा सर्विस होनी चाहिए। इस शर्त को पूरा करने वाले कर्मचारी को कम से कम 10,000 रुपये प्रतिमाह की पेंशन दी जाएगी, यानी 10 वर्ष की कंडीशन यहाँ पे है। 10 वर्ष कंप्लीट होने चाहिए सर्विस में, उसके बाद 10,000 रुपये कम से कम पेंशन दी जाएगी। फोर्थ पॉइंट में क्या है, पारिवारिक पेंशन के लिए पात्रता। यदि कर्मचारी की मृत्यु हो जाती है तो उसकी पत्नी को पारिवारिक पेंशन के रूप में कर्मचारी की पेंशन का 60% मिलेगा, ठीक है। यानी जो भी कर्मचारी है उनकी मृत्यु हो जाती है तो उनकी पेंशन का, तो उसकी पत्नी को पारिवारिक पेंशन के रूप में कर्मचारी की पेंशन का 60% मिलेगा। ये हो गया फोर्थ पॉइंट। अब बात करते हैं फिफ्थ पॉइंट, राज्य सरकारी कर्मचारी। यूपीएस प्रारंभिक रूप से केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों के लिए लक्षित है, लेकिन राज्य सरकारें भी इस योजना को अपने कर्मचारियों के लागू करने का विकल्प रखती हैं, ठीक है। हालांकि इसे लागू करने का निर्णय राज्य स्तर पर लिया जाएगा। अब बात करते हैं सिक्स पॉइंट की, पाँचवा पॉइंट। उम्मीद करूँगा वीडियो आपको पसंद आ रहा होगा, क्लियर हो गया होगा, तो दोस्तों सब्सक्राइब जरूर कर देना। छठा पॉइंट की बात करें, यूपीएस के तहत पेंशन की राशि सेवा की अवधि और अंतिम आहरित बुनियादी वेतन पर निर्भर करती है, इसलिए लंबी सेवा अवधि और उच्च अंतिम वेतन से अधिक पेंशन मिलेगी। अब बात आती है रिटायरमेंट के समय आपको क्या मिलेगा। यूपीएस के तहत रिटायरमेंट के समय आपको सुपर एन्युएशन के साथ एक लमसम भुगतान मिलेगा, इसमें ग्रेजुएटी भी शामिल होगी। यह भुगतान आपके मासिक वेतन पे प्लस डी का 1/10 हिस्सा होगा। तो दोस्तों ये की हाइलाइट्स थे, उम्मीद करूँगा आपको वीडियो पसंद आया होगा। जो भी चैनल पे पहली बार है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, डिटेल में वीडियो भी आपको जल्दी मिल जाएगा। थैंक यू।